बढ़िया अपने आना पड़ा। सत्युग में हिरणा कुश मारा, नरसिंह रूप त्रह प्रभु, त्रेता मतन रावण मारा, बनके राम खरिया प्रभु, द्वापर कैमा कंस मार दे, होगा ब्रज हरिया प्रभु, मांगे राम रटे बचपन ते, सेवक श्याम तेरा प्रभु। आके रास दिखा देने मैं मृत लोक में फिरती भ्रमती, इब आके शरण लई तेरी, उगर सेन का कंस धर्मी जिन ऋषिया पर व्यप्ता गई। तो पृथ्वी को आश्वासन दिया, क्या तुम जाओ और मैं इसका इंतजाम करता हूं। देखिए भाई, ध्यान ठिकाना होगा तो एक एक बात समझ में आओगी, नहीं पंडितों की बातें ऐसे मूर्ख के समझ में नहीं आती। जगन्नाथ प्रेम जब जाग गए, सारा जगत राम जी सा लग गए, पर मूर्ख के आगे क्यों करी सी बात बताई जा। नेकी रहती आसपास, दूर बुराई जा। जहाँ समझदार होते हैं, परमात्मा में जिसकी आस्था है, सुनने वाले होते हैं, वहीं पर ये बात बताई जाती है, सुनाई जाती है। नहीं चोली पर पीछे केबरा के पतली कमर भाइयाँ करने वाले तो बतेरे फिरने लग रहे हो हमारी बस के। बहुत अच्छे श्रोता हैं, गुणवान हैं, बहुत ही अच्छे प्रेमी हैं, सुनने वाले हैं, इसी कारण दो घड़ी उस परमात्मा का नाम लेंगे, उसका ध्यान करेंगे। पृथ्वी को आश्वासन दिया, क्या तुम जाओ और मैं इसका इंतजाम करता हूँ। तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बातचीत करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर बहुत भारी भार है और इसका कुछ ना कुछ उपाय करो। कि महाराज कैसे करूं, कैसे क्या करना पड़ेगा। दोनों आपस में बतलाते हैं, क्या काम क्रोध मद लोभ मारियो, यादव कुल में जन्म धारियो, वसुधारा का बाहर तारियो, मथुरा में जाके। ओ भाई मेरे यार, कितनी न्यू जाने संयजती सती, पति और पत्नी पुत्र संग में, हरदम लड़े धर्म के जंग में, कृष्ण रास हरि के रंग में, वेद धुनि गा के, वसुधारा का बाहर तारी और मथुरा में जाके। सदा भक्ता की करो मेर, आ जागा राम जमाना फेर, देर नहीं उड़े झटपट होंगे, देवकी के कृष्ण प्रकट होंगे, रास दिखा के लखपट होंगे, वह पिचकारी ठाके, वसुधारा का बाहर तारी और मथुरा में जाके। शिव की पूजा करो हमेश, न्यारा रहेगा ब्रज का देश, शेष नाग दल रखने वाला, शंख चक्कर हल रखने वाला, दल भद्र बल रखने वाला, वो दूध दही खा के, वो सुधारा का बाहर तारी और मथुरा में जाके। हर के गुणगाओ सुबह श्याम, थरे सब सिद्ध हो जाएंगे काम, मांगे राम गुरु की बाणी, देव की मैया दुर्गे भवानी, यशोदा मैया नंद की रानी, उड़े पड़ जागा माँ के, वसुधारा का बहार तारी और मथुरा में जागे। यहाँ की बात यहाँ, उधर उग्रसेन के यहाँ उसके भाई की लड़की जो देवक की थी, देव की वो सियाणी हो जाती। सारी सभा बैठी हुई थी, कंस को भी बुलाया उग्रसेन ने कि भाई देव की सियाणी है, इसके लायक वर ढूंढ का, कैसा वर ढूंढना है, कैसे उदाहरण दिए। उस सभा को संबोधित करते हैं महाराज उग्रसेन और उस कंस को समझाते हैं कैसे क्या दर्शा दिया, क्या बताया। खातरी अरे वर टोवण की सोची, और कंस बैठा लिया है अपनी जड़ में, अगर तो मन की सोची
इमा सुता स्नान करें थी गणेश रोखाला हो गया। शिव जी बढ़िया महल के अंदर बीच बेचारा हो गया। रोक दिया माँ देव जान के डट के पारा हो गया। अरे शिव जी ने दिया शीश काट न्यू मुंह काला हो गया। पार्वती ने करी लड़ा उड़ शर टोने की सो उपने रचा स्वंबरी सीता के ब्यावन्यने देश देश के हर राजा जुड़ गए धनुष बाण ठावन्यने किसे की बितला पड़ी ना आतल कलावन्यने सभा विस्तार कदम बढ़ा थाना छाया रावण हर वाल्मीक में रेख देख वाल्मीक में रेख दे उड़ हर टोने की सुन ज्यादा मान सम्मान क्यों हमारे बहुत ही अजीज रमेश शर्मा जी हमारे रिश्तेदार भी हैं बटे वो है हमारा पर आड़ा का तो हमारे सबके चल रहे नहीं आए तो ये लेने का जो ही साहब बनेंगे आपका भी सवेरे ध्यान करेंगे जो आपका बने दे देंगे जी दे देंगे दे दें 501 पे समान समान करते हैं। बार बार धन्यवाद किया जाता है धन्यवाद बहुत ही ज़्यादा प्रेमी भाई काफ़ी मान समान पहले भी किया 91 से और मान समान करते हैं बार बार धन्यवाद किया जाता है धन्यवाद अरे भीमसेन ने अपनी लड़की नल राजा के ब्याही 56 दिन तक जुआ खेलिया सिर चढ़ गई करड़ाई राजा नल फेर गए रबना में गैल भीम की जाई अरे कुटिया का मां
साड़ी काटी सूती बिना ठाए कुटिया के साड़ी काटी सूती बिना ठाए फिर रचा दोबारा स्वयंवर रचा दोबारा स्वयंवर नल फिर तो वने की सोची वंश गठाया खेलो कल्याज योरी आया शर्म का अरे जवाब के जो मैं सात पुस्तक तार आजा इस फर जवाब के जो मैं टोटा न फायोर हान लाभ का मर जवाब के जो मैं का लखमी चंद दी व्यक्ति का है कर जवाब के जो मैं और मांगे राम ने लोक लिया जत मांगे राम ने लोक लिया उड़ा जर टोवने की सोच